औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स टुडे आई नाउ आवर टीचर जस्ट कंक्लूड डिलीवरिंग लेक्चर ऑफ क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इज़ ईवीएस टॉपिक इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर पेज नंबर जो आपकी बुक का है दैट इज़ 50। ओके स्टूडेंट्स तो आज का जो हमें सब टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खसूसियात, खसूसियात। ठीक है, पीने के पानी की खसूसियात क्या होनी चाहिए, तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं आपको ये बुक पे दिखाऊंगी, ये देख लीजिए। इट शुड बी कलरलेस, कलरलेस इसका कोई रंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑडरलेस, ऑडरलेस विदाउट एनी स्मेल, इसकी कोई स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी मीन्स जो सस्पेक्टेड होती है, जो जिनसे जो हमारे जिस्म के लिए, जो हमारे सेहत के लिए मुजर होते हैं, वो चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया, इसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। इट शुड कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स दैट मेक वाटर हेल्दी एंड गिव अस अ प्लीजेंट टेस्ट, डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट होना चाहिए इसमें, क्योंकि उसी से हमें सेहत भी मिलती है, उससे हम तंदुरुस्त हो जाते और हमें इसमें एक टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।